चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी की काउंसलिंग में तो डिले हो रहा है, लेकिन स्टेट की काउंसलिंग अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। 6 स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस में है और अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या रही अरुणाचल प्रदेश की कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अरुणाचल प्रदेश से काफी कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ भी डाउन जाती है। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वन की बात करें तो कैटेगरी वन में एमबीबीएस कोर्स के लिए जो कट ऑफ रही है वो 450 मार्क्स रही है, यानी कि 1,33,263 रैंक वाले कैंडिडेट को यहाँ पर कैटेगरी टू में सीट मिली है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें सॉरी कैटेगरी वन में सीट मिली है। इसके बाद में हम बीडीएस कोर्स के लिए बात करें तो बीडीएस कोर्स में 435 मार्क्स, जिसकी रैंक 1,50,334 रैंक थी, उसको रिम्स इंफाल मिला है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकंड की। तो कैटेगरी सेकंड में एमबीबीएस से 581 मार्क्स वाले कैंडिडेट को मिला है, जिसकी रैंक थी 28,074। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है और जैसे जैसे बाकी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे या फिर उनके अलॉटमेंट आएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या उनकी कट ऑफ रहती है। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।